प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचे और तब से लेकर अब तक उनके तमाम बातें, तमाम बयान, तमाम भाषण और तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इतनी बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिली है। जो लोग ये कहते थे कि आखिर 370 हटने के बाद क्या हुआ, कम से कम यहाँ पर 6200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचे और तब से लेकर अब तक उनके तमाम बातें, तमाम बयान, तमाम भाषण और तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इसमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल इस तस्वीर में वो किसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। मामला हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर ट्वीट कर ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, थोड़ी देर पहले श्रीनगर पहुंचा हूं जहां मुझे गौरवशाली शंकराचार्य हिल्स देखने का मौका मिला। इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो श्रीनगर से पीएम मोदी ने बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की धार को और पैना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों को साधने के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस शंकराचार्य के नाम पर यह हिल है उसका सीधा लगाव यहां के कश्मीरी पंडितों से था। घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या भले ही कम है, लेकिन यहाँ के पंडित लंबे वक्त से देश के चुनावी मुद्दों में शामिल हैं। क्या है शंकराचार्य हिल की कहानी वो भी जानते हैं। श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित शंकराचार्य हिल शहर के स्तर से करीब 11,000 फीट ऊंचा है। इतिहास में इस हिल को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। पहला दावा शंकराचार्य को लेकर ही है। मान्यताओं के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य जब कश्मीर आए थे तो उन्होंने गोपाद्री पर्वत पर शिव की आराधना की थी। यहीं पर उन्होंने शक्ति के स्वरूप और उसकी महानता के प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव भी किया था। उनकी आराधना से खुश होकर कश्मीरी पंडितों ने इस पर्वत का नाम उनके नाम पर ही रख दिया था। हालांकि इस पर्वत का इतिहास शंकराचार्य से पहले का भी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वहां के प्रोफेसर्स ने लिखी है कि 371 ईसा पूर्व कश्मीर के राजा गोपादिनाथ ने इस पर्वत पर एक मंदिर बनवाया था जिसे ज्येष्ठ शिव मंदिर कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव विराजमान थे। गोपादित्य की वजह से ही इस पर्वत का नाम गोपाद्री पर्वत हो गया। मशहूर इतिहासकार कहते हैं कि रजत रंगणी में इस पहाड़ के बारे में लिखा गया है। कहा यह भी जाता है कि इस्लाम के उद्भव से पहले यहाँ सुलेमान नामक व्यक्ति ने विजय प्राप्त की थी और यहाँ पर जीत दर्ज करने के बाद सुलेमान ने यहाँ अपनी गद्दी स्थापित की थी, इसलिए इसे एक वक्त में तख्ते सुलेमान भी कहा जाता था। मुगल शासक के वक्त इस पहाड़ पर एक मस्जिद भी बनाई गई थी। ये मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी इसका कोई उल्लेख अभी नहीं है। कहा जाता है कि मुगल शासक जहांगीर ने अपनी बेगम के साथ यहाँ हनीमून मनाने के लिए भी आए थे। उसके बाद औरंगजेब भी यहाँ आए। इतिहासकारों ने उसी वक्त मस्जिद का उल्लेख किया। हालांकि मस्जिद सिख और डोगरा शासनकाल में तोड़ दिया गया था। आजादी के बाद साल 1961 में द्वारकापीठ के शंकराचार्य ने यहां पर आदि गुरु की प्रतिमा स्थापित करने का काम किया था। देखिए शंकराचार्य हिल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी जान लेते हैं। ये हिल डल झील और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच है। इसे चढ़ने के लिए 250 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि यह हिल ज्वालामुखी विस्फोटों से बना हुआ है और करीब 320 मिलियन वर्ष पुराना है। प्रोफेसर कोल के मुताबिक 320 मिलियन साल पहले यहाँ मैग्मा नामक विस्फोट हुआ था। अब इस तरह के विस्फोट की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन यहाँ के लोगों को अब भी इसका डर सता रहा है। यहाँ बने मंदिर की वास्तुशिल्प की बात करें तो इसमें अष्टकोणीय आकार और घोड़ी की नाल का वक्र शामिल है जो आज भी इसके निर्माण के अंतिम चरण में देखा गया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के मुताबिक साल 1925 में इस हिल और उसके स्थित मंदिर का विद्युतीकरण किया गया था। ये तो बात हो गई हिंदू को बढ़ावा देने की और हिंदू धर्म से जुड़ी, लेकिन सियासी मायने भी आज बहुत निकाले जा रहे हैं, उस पर भी एक नजर डाल देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया और कहा कि ये जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था, ये वही जम्मू कश्मीर है, ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इनकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आज ये खुलकर सांस ले रहा था, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुक्त भोगी रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादों ने बैंक की कमर तोड़ ही दी। हमने बैंक को 1000 करोड़ की मदद देना तय किया है। जो डूबने वाला बैंक था आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कांग्रेस और उसके साथियों ने दशकों तक 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कश्मीर में उनके कार्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये सियासी दिन। उन्होंने लिखा सबसे पहले कि मैंने एक दोस्त नजीम के साथ मेमोरेबल सेल्फी ली। नाजिम जो काम कर रहे हैं उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने मुझसे सेल्फी लेने का आग्रह किया। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे और परिवारवाद पर एक बार फिर से गहरा प्रहार यहाँ पर किया है। उनका कहना है कि 370 हटने के बाद दशकों बाद ऐसा हुआ है कि कुछ अलग तस्वीर जम्मू कश्मीर की नजर आ रही है। यहाँ का जो युवा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर्यटक भी बेखौफ होकर आ रहे हैं। G20 का शानदार आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 10 साल में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए हैं। वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। स्टार स्लेब्स विदेशी मेहमान वीडियो में दिखाई देते हैं, वादियों में घूमते हुए वीडियोस रील्स बनाते हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके बाद वहां किस तरह के उद्योग है और किस तरह से वहां के जो किसान हैं वो आगे बढ़े उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में केसर सेब मेवे चेरी होता है, ये अपने आप में एक ब्रांड है। अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में विकास होगा, बागवानी और किसान विकास में मदद मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैं 2014 से आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में आने से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ हूं। प्यार के इस कर्ज को चुकाने में मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। 2014 के बाद से मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कोशिश सही दिशा में जा रही है। ये मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये नया कश्मीर है जिसका दशकों से इंतजार था। धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे, प्रकृति का अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वातावरण, आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के लोग मौजूद नजर आए और उन्होंने उनका अभिवंदन किया। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिली है। जो लोग ये कहते थे कि आखिर 370 हटने के बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने उनको करारा जवाब दिया है। 1000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे हैं। कम से कम यहाँ पर 6200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बागवानी को, मधुमक्खी पालन को व्यवसाय बनाने की यहाँ पर जिज्ञासा जो है वो जगाने की कोशिश की जा रही है। कृषि विकास में भी 6400 करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने की बात यहाँ पर की गई है। जवान झेलम नदी डल झील में मरीन कमांडो सुरक्षा में तैनात है। उनका कहना है कि हमारी जो बॉर्डर्स है वो पूरी तरह से अब सुरक्षित है, अब हमें कोई डर नहीं होता। VVIP मूवमेंट के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेटिंग है। निगरानी के लिए ड्रोन CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये सीधे तौर पर परिवारवाद के साथ साथ जो 370 को लेकर बातें करते थे, जो आवाज़ उठाते थे, उनको मोदी का मुंह तोड़ जवाब है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर जो लोग परेशान थे आज उनको भी बहुत बड़ा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। और साथ ही साथ हिंदुत्व का नारा जम्मू कश्मीर में भी बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। अब देखना यह है कि वहाँ पर इसका असर कितना ज़्यादा नजर आता है।
भारत टाइम में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।